सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो जो कि आ चुकी है पाव भाजी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि जो ये पाव भाजी आपको दिख रही है ना, ये सब कुछ होममेड है। खीरा वीरा लेटस वगैरह नहीं है, अपने पास बगीचा नहीं है उगाने के लिए, ठीक है। बाकी पाव भाजी हमने घर पे बनाई है और पता नहीं कैसी बनी है, वो तो जब डुगू खाएंगे और टेस्ट करेंगे तब आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और बाहर से आज बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, हमने बहुत इग्नोर किया कि हम लोग शांति में शूट करें, बट अब वो आ रही है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसे प्लीज आप इग्नोर करना। तो आज हमारे पास है घर की बनी हुई पाव भाजी और साथ में पापड़ है, थोड़ा सा सैलेड है, लेटस है। लेटस तो पता नहीं मैं खाऊंगी नहीं, मैं ऐसी डेकोरेशन के लिए रखा है, ठीक है, वो जरूरी नहीं होता खाना। और यशु आज कुछ नहीं खाने वाली ये सिर्फ मुझे बैठ के देखेगी, क्योंकि आज मेरी डाइट में आज भी चना सैलेड था, उस दिन मैंने चना सैलेड ऑलरेडी खा चुका था आप लोगों के सामने, तो आज मैंने वो नहीं खाना। तो इसलिए आज डुगू ने मुझे जबरदस्ती बिठाया है कि तू साथ में बैठेगी और मैं यहाँ पे पाव भाजी खाऊंगी और तू अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगी। गाइस तो शुरू करते हैं, सबसे पहले ये अपना है पाव। तो तू मेरे को ऐसे देखेगी क्या, बस तू कुछ खा ले, सैलेड वैलेड कुछ तो खा ले तू। सैलेड तू खा सकती है? नहीं, मैं अपनी डाइट ले चुकी हूँ। वैसे पापड़ तलने वाले थे। नेक्स्ट टाइम टेस्ट कैसे है अभी पापड़ का? मतलब ये पता है आपको सबसे खराब चीज है ऐसे साथ बैठ के पेशेंस दिखाने वाली। हालांकि मैं अपने डाइट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ फिलहाल लास्ट 5 डेज से, तो ऐसा कुछ इरादा है नहीं, लेकिन ये गलत है। पापड़ का टेस्ट आया ना पाव भाजी का। वाह, कड़वी कड़वी है। कड़वी है ना, बट वो क्यों कड़वी है? हो सकता है कोई करता है।
चम्मच भी नहीं रखी। कुछ लोग तेरे चना सैलड की रेसिपी पूछ रहे थे, वही बता दे, खाली बैठी है, कुछ तो काम कर। वैसे मैंने कमेंट्स में ऐसे पढ़ा तो नहीं था अभी तक कि आप लोग चना सैलड की रेसिपी। मैंने पढ़ा था। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है आपको चना सैलड। सबसे पहले आपको ब्लैक चना को बॉइल कर लेना है, ओवरनाइट सूख करके मॉर्निंग में बॉइल कर लेना है। बॉइल करने के बाद उसमें आपको बहुत ही लाइट सॉल्ट रखना है, जो कि होगा पिंक रॉ सॉल्ट, करेक्ट। देन आफ्टर आपको उसमें कट करके डालना है अपनी पसंद का सारा सैलड, जैसे कि ककुम्बर, कैरेट, बीटरूट एंड टमाटो, अनियन, लेमन, ब्लैक पेपर, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे उसमें। लेकिन आपको उस पर खास बात का ध्यान रखना है कि आपको ऊपर से ना तो कोई मसाला यूज़ करना है, लाइक चाट मसाला, एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड ऑन नहीं करना है आपको उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप अपना ब्लैक चना सैलड बना के खा सकते हो हेल्दी। टेस्ट एज यूजल तूने बनाया तो अच्छा ही होगा, इसको बताओ ना, बहुत टेस्टी बना है। कमेंट में बोल रहे थे कि आप चिड़िया की तरह खाना खाते हो। अब जितना मुंह है उतना जो खाऊंगी ना, मुंह से बड़ा कैसे खा सकता है कोई। स्पीडली खाओ, स्पीडली खाओ, थोड़ा चैलेंज चल रहा है, खाओ, चैलेंज चल रहा है जैसे। ठीक है, माइक को खिला रहे हो। ओ सॉरी,
थोड़े कड़क हो गए। सो गाइज हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा मेरे से, क्योंकि मैंने सुबह भी नाश्ता तो कर ही लिया था ना, हाँ सैंडविच का नाश्ता किया था, तो इसलिए। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देखो मेरा जो ये है खाने छोड़ने वाला, ये तो थोड़ा सा मकबैंग में हो जाता है मेरा, नॉर्मली जब मैं खाती हूँ तो नहीं होता, लेकिन कैमरे के सामने जब भी आती हूँ तो पता नहीं कैसे छूट जाता है। तो कुछ बोलना चाहिए, जो खाना छोड़ा है ना उन्होंने, ये इनका इवनिंग स्नैक है, शाम को भी ये यही खाएंगे। अगर शाम को उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है तो मैं बोलूंगी पाव भाजी जो आपकी रखी है वो आप फिनिश करो, तो यही खाएंगे, क्योंकि मैं खा ही नहीं रही हूँ कुछ भी। तो आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, एंड आई एम वेरी सॉरी कि आज मैं कुछ खा नहीं रही थी यहाँ पे बैठ के, बिकॉज मेरी जो डाइट थी वो उसका टाइम हो चुका था, तो मैं पहले ही ले चुकी थी। तो लोगों ने बोला कि यार प्लीज़ आ जाना, मेरी रिक्वेस्ट की कि आ जा गाइस को तेरा बैठना ही अच्छा लगता है, तो मैंने बोला ठीक है मैं बैठ ही जाती हूँ फिर। तो मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से यहाँ पे बैठी हुई थी, एंड बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हमने पाव भाजी बनाई, और सब कुछ अच्छा देखते हुए हम होममेड ही सारे चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको किसी की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आप किस चीज़ की रेसिपी चाहते हो, हमको डेफिनेटली देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या क्या चीज़ें खानी है डुगू को, और मैं और क्या ट्राई कर सकती हूँ। यस, तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तारा बाय बाय, गुड नाइट।